सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। नमस्कार, मैं विनोद कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। तो सुबह का वक्त है तो मैं जा रहा हूं बाहर। तो ये गोमती नदी के किनारे का नज़ारा है और सुबह का वक्त है तो काफ़ी अच्छा मौसम है इस समय, क्योंकि बादल भी छाए हुए हैं और बारिश के भी आसार हैं। और सुबह का समय बहुत ही अच्छा लगता है बाहर। तो मैं सुबह अपने काम से मैं बाहर जा रहा था, तो हमारे लखनऊ शहर में भी रुक रुक के बारिश भी हो रही है और बादल भी छा रहे हैं, तो इस समय मौसम बहुत ही अच्छा बना हुआ है। तो आज हम लंच में बना रहे हैं दाल की सब्जी, तो जिसके लिए हमारी मिसेज ने सब तैयारी करके रख दी थी। तो उन्होंने कहा कि आज आपको बनाना है, क्योंकि आज हमारे घर कुछ गेस्ट आने वाले थे और उनकी भी फरमाइश थी कि आज दाल की सब्जी बने। तो इन्होंने सारी तैयारी कर दी थी, तो उसके बाद मैंने सारी सब्जी बनाना शुरू कर दिया है। तो आज दाल की हम सब्जी बना रहे हैं, तो जिसके लिए मैंने उड़द की दाल को भिगो दिया गया था और इसको हमने पीस लिया है। तो ये दाल की करैल बहुत अच्छी लगती है खाने में चावल के संग। तो उड़द की दाल में थोड़े से मसाले पीस के इसमें डाल दिए गए हैं। तो एक तरफ मसाले को भुना जा रहा है और दूसरी तरफ हम इसको पकौड़ियाँ बना लेंगे। और इसको धीमी धीमी आंच पे अच्छे से हम इसको पकौड़ियों को सेक लेंगे और दूसरी तरफ अच्छे से मसाले को भी तैयार कर लेंगे, जिसमें मैंने लहसुन प्याज और इसमें हमने हींग लाल मिर्च हल्दी और धनिया और थोड़ा गरम मसाला इसमें डाला है। और इसको अच्छे से हम पीस के हमने इसको मसाले को अच्छे से भुना है। और देखिए हमारी ये पकौड़ियाँ बन के तैयार हैं। तो ये सिवरत दाल को भिगो के इसको रात में भिगो दिया गया था और इसको पीस के इसमें हींग और थोड़े से मसाले डाल के इसको अच्छे से हम पकौड़ियाँ बनाएंगे। तो हमारे यहाँ जो मेहमान आए हुए हैं तो उनकी फरमाइश भी थी कि आपके हाथ की हम ये सब्जी खाएंगे, तो मैंने सोचा चलो ठीक है बना देता हूँ और हम लोग की भी बहुत पसंद है। तो वो सामने नहीं आना चाहते हैं तो इसीलिए मैं उनको नहीं दिखा पा रहा हूँ। तो उनके नाश्ता करने के बाद दोपहर का ये लंच तैयार हो रहा है। और देखिए मसाला भुन चुका है, तो उसमें हमने थोड़ी सी उड़द की दाल डाल दी और उसको भी अच्छे से हम भून लेंगे। और दाल को अच्छे से भूनेंगे और जिसमें अच्छा जिसमें कच्चापन बिल्कुल भी ना रहे। और इसमें हम दाल भुनने के बाद इसमें हमने पानी डाल दिया है और जितनी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से मैंने इसमें पानी डाला हुआ है। और आप हमारी वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करिए। और देखिए हमारी लगभग आधी से ज़्यादा पकौड़ियाँ बनके तैयार हैं और उधर हमने घोल यानी सब्जी की ग्रेवी भी बना के तैयार कर ली है। और इसको हमने पानी डाल के इसको हम ढक देंगे। और उधर हमारी मिसेज ने उन्होंने चावल भी बना लिया है, तो सब्जी हमारी बनके बिल्कुल तैयार है। तो ये सभी के लिए खाना परोसेंगी। और देखिए बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी हुई थी, जो हमारे गेस्ट आए हुए थे तो उनको बहुत ही अच्छी लगी। और शाम को उनकी फरमाइश है नॉनवेज खाने की, तो उसके लिए भी हम लोग भी थोड़ी देर में तैयारी करेंगे। तो दोपहर का खाना खाने के बाद हम लोग कुछ देर रेस्ट करेंगे। तो आज इस ब्लॉग में हमारी मिसेस आज सामने नहीं आ रही हैं और ना उन्होंने कोई ऐसी कोई बात आपसे मतलब करने के लिए, मतलब उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपसे रूबरू होंगी और बातें भी करेंगी। तो देखिए खाने की थाली हमारी तैयार है। तो लीजिए हमारी खाने की थाली बिल्कुल तैयार है, अब हम लोग दोपहर का लंच करेंगे।
और ये दोपहर का वक्त है, तो हमारे यहाँ जो सामने पपी पले हुए हैं जो मोहल्ले में, तो उनको एक पपी को चोट भी लग गई थी, तो उसके पैर में हल्का सा फ्रैक्चर भी हो गया था। तो हम लोग ने डॉक्टर, यानी हमारे एक शहर में ही एक NGO है जीव आश्रय के नाम से, तो हम लोग ने कॉल किया था। और इससे पहले भी जो हमारे डॉगी जो बीमार हुए थे, तो हम लोगों ने उनको बुला के उनका ट्रीटमेंट कराया था। तो इसकी ड्रेसिंग हो रही है, तो उसको हल्का सा प्लास्टर चढ़ाया जा रहा है। और इनको कच्चा प्लास्टर हल्का सा बांधा जाएगा। तो हमारे शहर में एक NGO है जीव आश्रय नाम से, तो ये जो जीव होते हैं जिनके जो तकलीफ़ में होते हैं, जैसे कोई भी एनिमल हो, जैसे गाय है, कुत्ता है, मंकी है, और पशु पक्षी जो भी हैं, तो उनके आप अगर कोई उनको दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप उनको फ़ोन करिए और वो फटाफट आते हैं। और उनकी सेवा जो 24 घंटे के लिए होती है, और कोई भी जीव कोई भी ऐसी कोई तकलीफ में हो तो फ़ौरन आके उसका ट्रीटमेंट करते हैं। और अगर वहाँ पे नहीं रखने लायक है, जैसे जो स्ट्रीट डॉग होते हैं, तो उनको अपने वहाँ लेके जाते हैं, तो उसको वहाँ इलाज करके उनको रखते हैं, उसके बाद फिर जहाँ से लेके आते हैं फिर उनको वहाँ पे छोड़ देते हैं। तो हमारे मोहल्ले में कई पपी हैं, मतलब डॉगी के बच्चे हैं, तो अक्सर कुछ ना कुछ उनका लगा ही रहता है। कभी बीमार हो जाते हैं, कभी कोई गाड़ी से हल्का सा उनको धक्का लग जाता है तो चोट लग जाती है, तो इसी तरह उनको हम लोग बुला लेते हैं और ये लोग इलाज करते हैं इनका। तो लीजिए, इनकी ड्रेसिंग हो चुकी है और इनको इंजेक्शन लगाया जा रहा है। तो लीजिए, अब शाम का समय है और मैंने दिन का कुछ ऐसा वीडियो नहीं बनाया था, तो मैंने चिकन को मैरिनेट करके रख दिया था। तो आज हम चिकन बिरयानी बना रहे हैं, तो उधर चिकन को मैरिनेट करने के बाद हमने इसको करीब 1 से 2 घंटे के लिए रख दिया था। और उधर चावल का पानी हमने रख दिया है बॉयल होने के लिए, और उधर थोड़े कुछ खड़े गर्म मसाले उसमें डाल देंगे। और जिस तरह की हम ये बिरयानी बना रहे हैं, और ये मसाला बिरयानी बना रहे हैं, तो बिरयानी तो बहुत तरह की बनती है, मगर हम इसको मसाला बिरयानी बना रहे हैं क्योंकि हमारे जो गेस्ट आए हुए हैं उनको मसाला बिरयानी खानी है। तो ये मसाले बिरयानी हमारे घर में भी सभी को पसंद है, तो ऐसे मैं बिरयानी कई तरह की बना लेता हूँ। तो ये बिरयानी बनाने के लिए मैंने पानी रख दिया है चावल बॉयल होने के लिए, तो उधर चावल को भी बॉयल करने के लिए पानी जो रखा है उधर मैंने चावल को भिगो दिया है। तो इधर हम दूसरी कढ़ाई में मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देंगे और इसको अच्छे से हम भून लेंगे। और इसमें हमने कई मसाले इसमें डाले हुए हैं, जिसमें लहसुन है, अदरक है, और कुछ खड़े गरम मसाले इसको हमने ददरा सा कूट लिया था, और दही डाल के इसको हमने करीब 1 से 1.5 घंटे के लिए रख दिया था। और देखिए, हमने प्याज को भी फ्राई करके अलग रखा हुआ है, और इसको धीमी धीमी आंच पे मसाले में इसको अच्छे से भून लेंगे। और इसमें मैंने चिकन बिरयानी मसाला होता है, मैंने वो इस्तेमाल किया है। और देखिए, दूसरी तरफ चावल भी अच्छे से बॉयल हो रहा है। और इस चावल के बिरयानी को बनाने वाले चावल जो होता है वो बिल्कुल पूरी तरह से पका के नहीं रखा जाता है, क्योंकि बहुत जल्दी गल भी जाते हैं, क्योंकि इसे हमें दम पे भी देना है, और तभी जो बिरयानी होती है बहुत ही अच्छी बनती है। तो इसको हम 95% यानी इसको बॉयल करेंगे, उसके बाद इसको छान के रख लेंगे। और दूसरी तरफ हमारा चिकन जो है अच्छे से हो चुका है, तो इसमें हम केवड़ा जल और गुलाब जल भी डालेंगे, और इसे अच्छा बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, बिल्कुल बाजार जैसा। तो ये मसाले बिरयानी में थोड़ा मसाला ज़्यादा पड़ता है, और इसकी जो बिरयानी होती है बहुत ही अच्छी लगती खाने में। तो देखिए, मैंने चावल को भी अच्छे से छान लिया है, और चिकन भी हमारा लगभग तैयार हो चुका है। और दूसरी तरफ ने प्याज को भी करीब 4 से 5 प्याज को अच्छे से उसको फ्राई करके अलग रखा हुआ है। तो मैंने चावल में थोड़ा सा गुलाब जल और केवड़ा जल भी डाला हुआ है। तो हमारा चिकन रेडी है, तो अब इसमें हम तह लगाएंगे। तो मैंने थोड़ा चावल बाहर किनारे रख लिया है, और आधे चावल में हम नीचे जो चिकन के पीसेस हैं वो डालेंगे।
और आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा, और आपके हमें कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो देखिए मैंने चिकन को चारों तरफ अच्छे से फैला दिया है और इसकी थोड़ी सी ग्रेवी यानी जो मसाला है उसको हम बाद में डालेंगे, सबसे पहले हम इसमें सारे जो चिकन है वो कायदे से चारों तरफ अच्छे से फैला देंगे। और एक तरह एक बार हमारे दिए तरीके से इस तरह आप बनाएं तो आपको बहुत पसंद आएगा। वैसे मैंने इसकी वीडियो बना के अलग से एक सेपरेट वीडियो डाली है, आप उसको भी पुरानी वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। तो मैंने थोड़े से इसमें देखिए लगाने के बाद थोड़े से फ्राई किए हुए प्याज डाल दिए, अब उसके ऊपर से हम चावल डाल देंगे। तो इसको अच्छे से हम तह लगा देंगे। तो आज हमारे यहाँ जो मेहमान आए हुए थे उनसे सारा दिन बात करते हुए और कैसे खाते पीते कैसे दिन बीत गया और पता ही नहीं चला। तो देखिए मैंने ये ऊपर जो चिकन की जो बचा हुआ था मसाला इस तरह बिछा देंगे इसको। और मसाले के ऊपर चावल पे हल्का सा इसको कर देंगे। और हमारे कुछ सब्सक्राइबर हैं कुछ व्यूअर्स हैं जो उनको ये नॉनवेज वगैरह देखना नहीं पसंद है तो वो वीडियो हमारी थोड़ी सी आगे स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि कुछ लोगों को नहीं पसंद आता है ये। तो लीजिए हमारी बिरयानी बनके तैयार है। तो इसको हम अच्छे से ढक के इसको हम गैस पर रख देंगे और तवे पे क्योंकि धीमी धीमी आँच पे इस पर दम पे लगाना है, चावल भी अच्छे से पक जाएगा और हमारा जो बिरयानी का फ्लेवर है अच्छे से उठ जाएगा। और दूसरी तरफ हम लोग ने बूंदी का रायता बनाया है और संग में थोड़े से सलाद यानी प्याज भी काटा हुआ है। तो हमारे यहाँ जो मेहमान आए हुए थे उनको ये बिरयानी बहुत अच्छी लगी और कोई वो बिरयानी खाना खाने नहीं आए थे तो वो हम लोगों से मिलने आए थे तो उनकी भी कुछ फरमाइश थी कि बहुत दिनों से कह रहे थे हाँ, तो मैंने सोचा चलिए बनाते हैं। तो इस लॉकडाउन बाद काफ़ी दिनों बाद हम लोग की मुलाकात हो रही है तो जो आए तो हमको बहुत ही अच्छा लगा। तो वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहते तो मैंने फ़ोर्स भी नहीं किया। तो लीजिए हमारा खाना बिल्कुल रेडी है तो फटाफट हम लोग रात का डिनर तैयार हो ही चुका है तो हम लोग फटाफट खाना शुरू करेंगे। तो जिसके लिए मैं देखिए बिरयानी हमारी बिल्कुल तैयार है। और बहुत ही अच्छी बिरयानी बनी हुई है, बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जिसको नॉनवेज पसंद है तो प्लीज़ वो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करेंगे और हमें बताएंगे कि हमारी ये बनाई हुई बिरयानी कैसी दिख रही है और कैसी बनी है। तो इसको फटाफट हम परोसते जा रहे हैं। तो मैंने कहा अपनी मिसेस से बोला कि आप परोसो तो उन्होंने कहा नहीं आपने बनाया तो आप ही परोसो, मैं खाना सदर उठा के टेबल पे लगाती हूँ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं ठीक है। तो टेबल पे सब कुछ लग चुका है तो फटाफट अब हम लोग खाना शुरू करेंगे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह नई नई वीडियो और नए नए ब्लॉग लाते हुए। तब तक के लिए धन्यवाद। It's caught in the crossfire.